बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल को मवेशियों की तस्करी के मामले में जमानत मिल गई है। अनुव्रत मंडल की जमानत के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने जमानत दे दी। हालांकि फिलहाल अनुव्रत मंडल को सीबीआई केस में जमानत मिली है, लेकिन उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। अभी वे जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। गौरतलब है कि अनुव्रत मंडल को वर्ष 2022 के अगस्त महीने में बीरभूम के नीचू पट्टी इलाके में स्थित उनके घर से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अनुव्रत मंडल को शुरू में आसनसोल जेल में रखा गया था। हालांकि बाद में अनुव्रत मंडल को देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से वे तिहाड़ जेल में ही बंद है। अनुव्रत मंडल को वर्ष 2022 के ही नवंबर महीने में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अनुव्रत मंडल पर मवेशियों की तस्करी के मामले में आर्थिक गड़बड़ी करने के भी आरोप लगे थे, इसलिए ईडी ने मवेशियों की तस्करी मामले की जांच शुरू की और अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि ईडी का मामला अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के मामले की सुनवाई जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हो सकती है। उस मामले में अनुव्रत मंडल को जमानत मिलने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। यहाँ बता देना जरूरी है कि अनुव्रत मंडल ने सीबीआई के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सीबीआई बार बार उनकी जमानत का विरोध कर रही थी। आखिरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत के मामले पर सुनवाई हुई, जहां अनुव्रत मंडल के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में एक आरोपी इनामुल हक को जमानत दे दी गई है। उन्होंने दलील दी कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अगर कोई शिकायत है तो ट्रायल प्रक्रिया शुरू होने दीजिए। सवाल जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को सशर्त जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने जमानत देते समय तीन शर्तें लगाई हैं। अनुव्रत मंडल को अपना पासपोर्ट जमा देने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने पर पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अनुव्रत मंडल किसी भी प्रकार से गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुश परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश, एग्रो फ्रेश आटा। स्वस्थ, उज्जवल देह, सठिक पुष्टि,